शांति। आज 13 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य और आज की मुरली में ऐसा महसूस होता है जैसे कल की मुरली से आगे कंटिन्यूएशन। कल हम सभी ने सुना था कि बाबा ने तकदीर के ऊपर मुरली चलाई, कि तकदीर बनाने का आधार पढ़ाई है, क्योंकि उस पढ़ाई से ही सच्ची कमाई होती है और तभी आत्मा की तकदीर जग जाती है। आज बाबा कहे, तुम बच्चे अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो। कितनी श्रेष्ठ? विश्व का मालिक बनने की तकदीर बनाते, उसका आधार पढ़ाई है। कैसे यह पढ़ाई हमारी तकदीर बनाती? तो बाबा कहे, ये पढ़ाई है ही बुद्धि की खुराक, और जिसकी बुद्धि की खुराक इतनी श्रेष्ठ हो तो जरूर है उसकी बुद्धि पारस बुद्धि हो जाती है। बाबा है पारस नाथ, इसीलिए बाबा को कहते बुद्धिमानों की बुद्धि है। और बाबा आकर हमें ऐसा पारसनाथ बनाते हैं, और जो पारसनाथ बनता है वो दूसरों को भी पारस बनाने की सेवा में लग जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तकदीर जग उठी अर्थात विश्व का मालिक बनने के पुरुषार्थ में लग जाती है। आज का प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर है, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। आज की मुरली का गीत भी है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। गीत की लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते। इतना सुंदर गीत है जो बाबा कहे, गीत की लाइन सुनते सुनते भी तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानती। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, दुनिया में भी बच्चा पैदा हुआ तो वारिस बन गया अर्थात तकदीर जग उठी। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह फिर बेहद की बात। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है, पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही है, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे,
उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा पर। तुम खुद भी गाते थे, बाबा कहे तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे। गायन भी है, मनुष्य से देवता की ये करत न लगी वाह। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो तीनों को देवताय नमः करेंगे, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, वह देवता हो गया, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। बाबा कहे शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी नीचे उतर, ड्रामा अनुसार वो रावण राज्य में सीढ़ी उतर रही है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं, जिनकी बुद्धि में दम नहीं उनको बैठ बाबा पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारस नाथ के भी मंदिर है, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पारस नाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिमानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरो नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिखती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई, पढ़ाई है ही हमारे बुद्धि के लिए खुराक। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि नहीं है, बाबा कहे कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीना पानी रखते हैं उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंचली अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। मंदिरों में जाते हैं तो चरणामृत देते हैं, अंचली देते हैं। तो बाबा कहे उस अंचली को ये नहीं कहेंगे कि यह पतित से पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पाप। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है, यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है।
यह अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती है। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहते। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, क्या कहेंगे? ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं, क्या महिमा गाई? दुख करता सुख करता है। और फिर दूसरी ओर कहते हैं हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं, कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? बाबा के उनको पूछना चाहिए, फिर तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं, बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार चाहे दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा? अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। मुख्य बात है नष्ट मोहा होने की। हमारा तो एक ही बेहद का बाप, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना? यह है सब दंत कथाएं। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। सत्युग में किसी को भी काल खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है उसको कहते इस व्यक्ति को काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए। बाप समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इतने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं, तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक है क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसीलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बरोबर पावन दुनिया थी ना, गाते भी है राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती? राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती? कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो
अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, बाबा कहे पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? पूछो, क्या भगवान प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है, वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्र में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, वह है व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुखदेव हो, अब तुम सुख के देवता बनते। अब सचमुच में हम सुख के देवता बनते, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, अर्थात शिवाचार्य। तो व्यास कौन है? शिवाचार्य, शिव बाबा। और व्यास के बच्चे हम हैं सुखदेव। तो व्यास के बच्चे तुम, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देख, जबकि शिव बाबा सन्मुख बैठे हैं। आत्मा को न जाना जाता, आत्मा को जाना जाता है। मुख्य बात है आत्मा को जानने की परमात्मा को जानने। तो इसीलिए बाबा कहे आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परम पिता परमात्मा शिव है, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेते, उनका एंड अंत नहीं। बाबा कहे उनका अंत नहीं, 84 जन्म पूरा किया फिर से पहले जन्म में आ जाते। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बनी बनाए बन रही अब कुछ बनी नहीं। तो बाबा कहे इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड भोजन। आत्मा का ज्ञान यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है, तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं और कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझा। बाबा कहे इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता, इनको अपना बनाता, इनके बहुत जन्म के अंत में आता। यह भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं। सन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, अभी तुम राज ऋषि बने।
5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते, तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहां तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार, तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं, वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते, तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेगी, अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। बाबा कहे, अगर कोई कहे तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेगी, अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बने, न शास्त्र को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं, मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है, तब बाप आकर सच सुनाए सबकी सदगति करते हैं। बाबा आकर के सच सुनाकर सबकी सदगति करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है, स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सम्मान देना देना नहीं लेना है। आज का बाबा का स्लोगन है, जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्मा को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्मा को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। हाँ, बाबा कहे ये अनुभूति का प्रसाद बांटते चले। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.